सवाई माधोपुर में पुलिस के सुस्त रवैये के चलते चोरों के हौसले बुलंद है और अब सुने मकानों के साथ भगवान के मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। सर्किट हाउस रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर से चोरों ने करीब 2 किलो वजनी चांदी का मुकुट और 1.5 किलो वजनी चांदी के छात्र सहित दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। दान पेटी में करीब 20,000 रुपए की नकदी थी। कोतवाली पुलिस ने मंदिर का मौका मुआयना भी किया, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग पुलिस के हाथों नहीं है। लगातार पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द चोरों के बारे में पता लगा सके, क्योंकि आम आदमी का भरोसा जितना बेहद महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ सुने मकान बल्कि जो मंदिर है वो भी चोरों की गिरफ्त से बाहर नहीं है, क्योंकि अमूमन ये भी देखने को मिलता है जहां चोर बहुत ही बेफिक्र होकर पहुंचते हैं और जो महंगी मूर्तियां हैं उसे चोरी करने की कोशिश करते हैं। और ये श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है जहां लोगों की आस्था का केंद्र, लेकिन चोरों के लिए महज ये धन संपत्ति लूटने का जरिया। कि मनोरदास वहां सो रहा था, इनकी एकदम अचानक आंख खोली तो करीब 2:30 बजे में, उस समय 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे, तो फिर इसने कि रोद रहा है, हमारी भी आँख खुल गई। फिर जो वो भागते दिखे हमको तो इधर, कितने लोग थे? दो तीन थे वो शायद। क्या क्या सामान चुरा ले गए? जो एक तो बालाजी का मुकुट ले गए, एक छत्र ले गए, एक गोलक रहती ना वो ले गए। पुलिस वाले आ गए ना, 3 बजे फोन कर दिया था मनोहर दास ने, 2 तक आ गई पुलिस, यहाँ 2-3 तक आ गई पुलिस, 4 बजे से पहले आ गई।